हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत। आज मेरे पास में एक गिव अवे भी है मेमोरी कार्ड का, जहाँ पे मैं 128 GB मेमोरी कार्ड का गिव अवे भी कर रहा हूँ। और मेरे पास में कुछ नए मेमोरी कार्ड्स भी आ गए हैं जो कि एक डिफरेंट नए ब्रांड की तरफ से आते हैं, जिसका नाम है होमैन। और होमैन अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल मार्केट में रिलीज हुआ है। इन्होंने जो है वो बहुत अफोर्डेबल जो है वो 512 GB का CFexpress टाइप ए कार्ड, जो कि आप सोनी कैमराज में यूज कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा CFexpress टाइप बी कार्ड जो आप निकॉन और कैनन में यूज कर सकते हो। इसके अलावा UHS-II SD कार्ड जो है वो लॉन्च करे, जिसमें आपको V90 और V60 सीरीज यानी 300 Mbps से लेकर के और 280 Mbps तक के स्पीड वाले कार्ड देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में मैं कुछ और अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहा था कार्ड रीडर के, बिकॉज ऑफ जब आप CFexpress टाइप ए कार्ड लेते हो ना, तो जो कार्ड रीडर है ना उसका महंगा आता है, 10-10 हज़ार रुपये के कार्ड रीडर देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये डिजिटेक का कार्ड रीडर मिला, ये 2-in-1 कार्ड रीडर है। आप चाहो तो इसे CFexpress टाइप बी कार्ड के लिए या फिर टाइप ए कार्ड के लिए ले सकते हो, मैंने टाइप ए कार्ड के लिए लिया है। और इस कार्ड रीडर का एडवांटेज ये है कि ये आपका SD कार्ड UHS-II और साथ साथ में CFexpress टाइप बी कार्ड दोनों को सपोर्ट करता है, और पूरी ऐसी मेटल क्वालिटी में आता है। बस इसकी क्वालिटी देखो यार, मतलब मैं डिजिटेक के इस प्रोडक्ट से ना बहुत इंप्रेस्ड हुआ हूँ। और इसमें हमें टाइप सी पोर्ट प्लस नॉर्मल USB टाइप बी पोर्ट मिलता है, एक साथ दोनों कार्ड लग जाते हैं, और फुल स्पीड जो 800 Mbps या 900 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड है वो पूरी ये सपोर्ट करता है, ये कार्ड रीडर आपके डेटा को ट्रांसफर करने। तो बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, इंडियन मार्केट में क्या प्राइस है, कितने अफोर्डेबल है। स्टार्ट करते हैं बिना गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए यार, अभी हो क्या रहा है इंडियन मार्केट में ना, हम लोग जितने भी लोग वीडियोग्राफर है, वीडियो शूट करने लग गए हैं या फिर फोटो शूट करने लग गए हैं हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, और हमारे पास अच्छे कार्ड्स नहीं है, ठीक है। अब अगर अच्छा कार्ड लेने जाओ तो वो बहुत महंगा होता है, 10,000, 11,000, 12,000। इवन दो अगर आप हाई कैपेसिटी कार्ड्स पे चले जाते हो, जहाँ 512 GB और 1 TB की कैपेसिटी रहती है, वहाँ कॉस्ट 25-30-40 हज़ार तक चली जाती है, ठीक है। 50,000, 1 लाख रुपये का भी आता है सोनी का एक 1 TB का कार्ड, जो लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास इंडियन मार्केट में मिलता है। तब अफोर्डेबल ऑप्शन कहाँ है, और होने क्या लग गया है वीडियो में, अब हम लोग 4K बनाने लग गए हैं, 10-bit रिकॉर्ड होने लग गए हैं। तो अब 64 GB के कार्ड में 30-30 मिनट ही रिकॉर्ड होता है अगर आप हाई स्पीड कार्ड ले रहे हो। तो अब हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड कार्ड्स की नीड है इंडियन मार्केट को, और होमैन एड्रेस कर रहा है अफोर्डेबल कार्ड्स की ऑप्शंस को। सो यहाँ पे जैसे ये CFexpress टाइप ए कार्ड आप देखोगे, ये कार्ड जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग देखो, 512 GB कैपेसिटी में आता है। इसमें 256 GB कैपेसिटी भी अवेलेबल है, और जल्द ही 1 TB कैपेसिटी भी मिल जाएगी। ये 900 Mbps की रीड स्पीड, 800 Mbps की राइट स्पीड में आता है, और CFexpress टाइप ए के अंदर आपको शायद इंडियन मार्केट में गिने चुने ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे कि एंजल बर्ड हो गया, सोनी बनाता है, और इसके अलावा जो है वो प्रो ग्रेड बनाता है। और ये होमैन पहली बार लेके आया है, ये इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्लासिक हमें देखने को मिलती है, डिसेंट पैकेजिंग है। प्राइस रेंज इसकी मैं अगर बताऊँ तो इसकी MRP 35,000 रुपये है, पर लगभग आपको इंडियन मार्केट में 22,000-23,000 रुपये के आसपास इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से कार्ड दिखेगा आपको, फुल इसकी 800 Mbps की स्पीड है, सोनी के अगर कैमरा में लगा रहे हैं और 4K रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, लगभग 4K 60 फ्रेम तक 8-bit में 20 से ऊपर घंटे रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आप 4K 8-bit कर रहे हो, 20 आवर्स तक की वीडियो बन सकती है। 4K में 10-bit रिकॉर्ड कर रहे हो, लगभग 15 घंटे की वीडियो बना के देगा आपको। और 4K में XAVC-S की जगह इंट्रा पे जा रहे हो 500 Mbps के ऊपर, तो लगभग 3 से 3.5 घंटे तक की कंटिन्यू रिकॉर्डिंग आपको करके देगा फुल स्पीड पे। और अगर आपके पास 61 मेगापिक्सल का सोनी जैसे A7R4 या R5 है, तो आप जो बर्स्ट रिकॉर्डिंग है 10 FPS वाली, वो कंटिन्यू विदाउट एनी बफर प्रॉब्लम के रिकॉर्ड कर पाओगे। सो ये कार्ड ऑफकोर्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ये 8K वीडियो भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास एक A9 Mark III या Alpha 1 या फिर R5 है, तो उसमें आप इसमें 8K भी विदाउट एनी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली जितनी देर रिकॉर्ड करना चाहो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कार्ड ने बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में बनाया है कंपनी ने। यार मैं बोलूंगा 22-23-24 हज़ार में आपको एक ऐसा कार्ड मिल जाए जो कि आपकी सारे पर्पस सॉल्व करते हैं रिकॉर्डिंग की, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड मोस्ट रिकमेंडेड कार्ड होगा। बस 1 TB का एंजल बर्ड का कार्ड भी है, 512 GB ना, मतलब एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है। इन दिस प्राइस सेगमेंट आई वुड 100% रिकमेंड। आप कोई 64 GB के 4 कार्ड ले लोगे, आपके इतने ही पैसे खर्च हो जाएंगे, जहाँ पे 512 GB में आपका जो है वो पर्पस आपका पूरे टाइम का रिकॉर्डिंग का सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये कार्ड रीडर की कॉस्ट कंपनी ने 3500 रुपये रखी है, लगभग 3200-3300 के आसपास मिलता है आपको ये कार्ड रीडर। और ये कार्ड रीडर में अब देखिए, सोनी का आप कार्ड रीडर लेने जाओगे, एंजल बर्ड का कार्ड रीडर लेने जाओगे, 10 से 12 हज़ार खर्च करना पड़ेगा। क्वालिटी इतनी बढ़िया निकाली है डिजिटेक ने, आई वाज सो सरप्राइज। इस तरीके से बॉक्स में आता है, अनबॉक्स करोगे, इसमें हमें ये हाई क्वालिटी का कार्ड रीडर मिल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस टू हैव इन योर पॉकेट। इसके बाद हमारे पास जो है वो 128 GB जो है वो V90 कार्ड देखने को मिलता है, और UHS-II के अंदर जो कि SD कार्ड है, तो आप किसी भी कैमरे में लगा सकते हो। 300 Mbps की स्पीड मिलती है,
तो आप 10-bit वीडियो इंट्रा में सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो 128 GB, मतलब अगर आप 4K कर रहे हो तो लगभग 2 से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें भी हो जाएगी 128 के अंदर, अगर XEVC S वाले फॉर्मेट पे जाते हो। फिर हमारे पास V60 कार्ड है, V60 कार्ड भी अगर आप यू नो थोड़ा और सस्ता कार्ड देख रहे हो तो उसमें जा सकते हो। पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, V60 में हमें जो है ऑरेंज कलर की ब्रांडिंग मिलती है, और जो है वो V90 में हमें जो है वो मेजेंटा कलर की या फिर पर्पल कलर की ब्रांडिंग आप बोल सकते हो। सो इन दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रही होगी कितने रुपए के मार्केट में एक्चुअली में पड़ जाता है MRP से हट करके। और सबसे अच्छी बात ये कंपनी आपको 5 साल की वारंटी दे रही है और रिकवरी वारंटी भी दे रही है। अगर आपके कार्ड फॉर्मेट हो जाते हैं या फिर करप्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको रिकवरी वारंटी भी देती है, 5 साल तक आप इन कार्ड्स को रिकवर भी करा सकते हो कंपनी के सर्विस सेंटर से। ठीक है, अब V60 कार्ड की जो स्पीड है हमें यहाँ पे रीड मिलती है 280 MBPS, राइट मिलती है 100 MBPS, तो ये काफी अच्छा कार्ड है। 3,500-4,000 रुपए में ये सबसे बेस्ट कार्ड होगा आपके लिए अगर आप यू नो सस्ता 128 GB का कार्ड देख रहे हो। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है। इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ, बताता हूँ कैसे पार्टिसिपेट करना है। और V90 कार्ड की स्पीड हमें 300 MBPS की देखने को मिलती है, राइटिंग्स 280 MBPS की देखने को मिलती है, और दिस इज ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल कार्ड, और ये भी सारे फॉर्मेट सोनी के कैमराज में सपोर्ट करेगा इन 128 GB कैपेसिटी। अब हम लोग बात करते हैं कि यार आप पार्टिसिपेट कैसे करना है गिव अवे में। आपको करना क्या है, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में व्हाई डू यू वांट दिस मेमोरी कार्ड फॉर योर वीडियोस, और इसके साथ साथ में फॉलो करना है मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, डिजिटेक के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। 15 दिन के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है अपने 3 दोस्तों के साथ में। 15 दिन में मैं इस वीडियो के गिव अवे को अनाउंस करूंगा, जो भी इंसान जीतेगा उसको इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी के थ्रू पता लग जाएगा ये कौन इंसान इस मेमोरी कार्ड को जीतने वाला है। अगर आप एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर तो यार ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप नहीं भी गिव अवे में जीते तो आई वुड रेकमेंड कि ये डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो, स्पेशली ये कार्ड रीडर जो इतना सस्ता और इतना बढ़िया कॉस्ट में हमें देखने को मिलता है। लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाके जरूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून गाइड एंड कीप शूटिंग।